तो अभी के टाइम दोस्तों देख सकते हैं मैं इंस्टाग्राम खोला हूँ एंड यहाँ पे 135 के इनके सब्सक्राइबर मतलब फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे इनका जो वीडियो है 1.3 मिलियंस में इनका वीडियो जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो इनका वीडियो जा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.1 मिलियंस इनका वीडियो गया है एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये भी वीडियो जो है 4.2 के मिलियंस में इनका वीडियो जा रहा है। ये कैसे बनाते हैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनका मिलियंस में व्यूज जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इनका वीडियो। तो ये कैसे बनाते हैं सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ। तो पहले आप इस एक वीडियो में चालू कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वीडियो इनका चालू कर दिया हूँ एंड यहाँ से आपको करना क्या होगा दोस्तों, कोई यहाँ पे इनका जो इमेज है इनका आपको कुछ स्क्रीनशॉट मारना होगा। तो यहाँ से इस इमेज का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, देख लीजिए मैं ऐसे स्क्रीनशॉट मार रहा हूँ इसको, तो स्क्रीनशॉट आप मार लीजिएगा। यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट मार लिया एंड यहाँ से इसको बैक यहाँ से हो जाइएगा। बैक होने के बाद दोस्तों ना सिंपली आपको करना क्या होगा, यहाँ से क्रोम खोल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर क्रोम खोल लेता हूँ। क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा POE, तो यहाँ पे ये वाला वेबसाइट आ जाएगा, तो आपको यही लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद इसको ना सर्च करना होगा, तो ध्यान से देखिए यही वाला आपको सर्च करना है। तो इस पे लिख के यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा, तो ये पहला वाला वेबसाइट आ जाएगा। तो आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पहले वाले वेबसाइट पे क्लिक करना, तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा। अगर आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो लॉगिन मांगेगा, तो आप लॉगिन दे दीजिएगा। लॉगिन देने के बाद आपको करना क्या होगा, जो भी वीडियो यानी कि जो इमेज आप वहाँ से स्क्रीनशॉट किए रहेंगे ना, वो प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे ना, जो इमेज आप इंस्टाग्राम से कॉपी किए यानी कि स्क्रीनशॉट किए हैं उस इमेज को ले लीजिएगा। जैसे कि मैं ये इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रॉम्ड आ गया। आने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तीर वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये जो तीर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना, तो आपको ये प्रॉम्प्ट बना के दे देगा, यानी कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एक बना कर दे देगा। तो देख लीजिए एक प्रोजेक्ट आपको बना के दे दिया, प्रोजेक्ट को आपको कॉपी करना है। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, थ्री डॉट का ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी मैसेज यहाँ पे लिखा है, इस पर कॉपी कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको दोस्तों यहाँ से बैक होना होगा एंड यहाँ पे उस चीज़ को कॉपी कर लिए हैं एंड करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपका जो पहला वाला वेबसाइट है 11 ऐप, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले पर क्लिक कर दीजिएगा, जो 11 AI लिखा है, 11 AI, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसमें भी आपको अगर पहली बार इसे ओपन करेंगे ना, तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं खोल दिया हूँ, तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मांगेगा, तो आप दे दीजिएगा। जस्ट मैं क्या करूँगा, ये जो पहला वाला है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये जो दिख रहा है आपको इस पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। आने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं पहले से लॉगिन किया था तो कुछ इस तरीके का आ गया है। आने के बाद आपको ना ये जो गैलरी वाला दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए सेंड, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ, यहाँ पे बैक हो गया एंड यहाँ से बैक होने के बाद ना दोस्तों, ये जो गैलरी वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट न्यू खुलेगा। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए टाइपिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक टाइपिंग लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आपको इमेज वाला ऑप्शन भी दिख जाएगा। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा, जो वहाँ से कॉपी किए रहेंगे ना, जो इमेज डाल के आप कॉपी किए हैं उसको यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा। तो देख लीजिए मैं यहाँ से पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट भी हो गया है। होने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट लिखा हुआ दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जनरेट लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिए,
कुछ इस तरीके का जनरेट करके आपको तीन प्रोफाइल दे देगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हम बैक कर देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके यहाँ से आपको कोई सा एक वीडियो यानी कि कोई भी आपको एक सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी एप्लीकेशन एडिटिंग वाला खोल लेना होगा। तो जैसे कि मैं VN ऐप को खोल लेता हूँ, यहाँ पे विन ऐप को खोल लिया। एंड खोलने के बाद करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फ़ोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जो फ़ोटो आप मतलब वहाँ से बनाए रहेंगे उस फ़ोटो को ले लीजिएगा, जो डाउनलोड किए रहेंगे उसको ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ से जो फ़ोटो बनाया हूँ उस फ़ोटो को ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए दो चार फ़ोटो मैं वहाँ से बना दिया हूँ, बना के यहाँ से ले लिया हूँ। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। लेने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा एडिटिंग। तो आपको यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिखेगा यानी कि आपको जितना सेकेंड का बनाना है उतना सेकेंड का रख लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और इसको कुछ इस प्रकार रख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार से रख लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया। एंड यह इसको क्या करूँगा ना, सब पे यूज करूँगा। तो अप्लाई टू ऑल दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये सब पे हो जाएगा। होने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको कोई भी यहाँ पे सॉन्ग लगा देना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार मैं आपको चला कर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इमेजेस जो है चेंज हो रहा है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया। अगर ये आपको इफेक्ट वाला नहीं पसंद आ रहा है तो आप फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप ये ब्लैक वाला ले सकते हैं। तो ब्लैक वाला लेने के बाद कुछ इस तरीके का आ गया है। मान लीजिए ये भी आपको नहीं पसंद आया तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सारा प्रोजेक्ट मतलब बहुत ही सारा इफेक्ट आ जाएगा। जो भी इसमें से आपको इफेक्ट अच्छा लगेगा उस इफेक्ट को ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। लेने के बाद सब पे ये लगा दूँगा। तो इस पर क्लिक करूँगा इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ सब पे क्लिक करके यहाँ से लगा दूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हो गया। होने के बाद सेम आपको ऐसे ही करके एडिट करके लगा देना है, यानी कि आपको इस ऐसे ही एडिट करके यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना होगा। तो सेम आप ऐसे ही अपलोड करेंगे तो आपका भी वायरल होगा, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। आपका भी वीडियो मिलियंस में जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।